नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में, जहां पर दशहरा पर रावण वध समारोह का आयोजन किया गया है और रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के बड़े बड़े पुतले, 70 फीट लंबे पुतले बनाए गए हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त तस्वीरें आपको दिखाएंगे मैदान की, कैसे मैदान में रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले जो हैं वो खड़े हैं। स्वर्ण लंका भी बनाई गई है, जहाँ पर हनुमान जी पहुँचेंगे और हनुमान जी उस स्वर्ण लंका को दहन करेंगे। उसमें सीता मैया है, जिन्हें वहाँ से आज़ाद कराया जाएगा, उन्हें वहाँ से मुक्त कराया जाएगा। उसके बाद कुंभकर्ण को आग लगाई जाएगी। कुंभकर्ण का पुतला है, लगभग 65 फीट ऊँचा है। और इसके अलावा फिर मेघनाथ के पुतले में आग लगाई जाएगी। फिर रावण का पुतला, जो कि 70 फीट ऊँचा है। देखिए, रावण के 10 सर दिख भी रहे हैं। ये रावण का 70 फीट ऊंचा पुतला है, जिसमें बम पटाखे भी लगे हुए हैं, आतिशबाजियाँ होंगी। देर शाम होते होते शाम के लगभग 5 बज चुके हैं और रावण का पुतला तैयार है, कुंभकर्ण का पुतला तैयार है। अब देखिए तस्वीरें, गुब्बारे उड़ाए जा रहे हैं, मंच की तस्वीर, जहाँ पर नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री पहुँचे हैं, बिहार के महामहिम राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर मौजूद हैं। इनके साथ साथ लालू प्रसाद यादव, लंबे समय के बाद लालू प्रसाद यादव भी आज इस रावण वध समारोह में, जो कि श्री श्री दशहरा कमेटी की ओर से आयोजित की जाती है, श्री रामलीला महोत्सव में शिरकत करने के लिए लंबे समय के बाद वे पहुँचे हैं। बिहार के महामहिम राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर भी मौजूद हैं, वो भी मौजूद हैं। उन सभी की मौजूदगी में इस कार्यक्रम का विधिवत रूप से शुभारंभ किया गया है और काफ़ी मनोरंजन भरा ये पल। लाखों की संख्या में लोग पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में मौजूद हैं, हर साल की तरह आते हैं। अब देखिए, धीरे धीरे जो कार्यक्रम है वो आगे बढ़ेगा। विधिवत रूप से शुभारंभ किया गया है। अखिलेश प्रसाद सिंह, जो कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वे मौजूद हैं। रविशंकर प्रसाद पटना साहिब के सांसद हैं, बीजेपी के MP हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री, वो भी मौजूद हैं। तो इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए तमाम जितने अतिथि हैं, बड़े व्यक्ति हैं, उन्हें बुलाया गया है। नीतीश कुमार ने खुद गुब्बारा उड़ाकर इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया है, दीप जलाया है। हम तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लालू प्रसाद लंबे समय के बाद, कई सालों के बाद वे आज पहुँचे हैं पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान इस रावण वध समारोह में शिरकत करने के लिए। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उसके बाद राम जी की आरती की जाएगी, लक्ष्मण जी की आरती की जाएगी और उसके बाद फिर हनुमान जी स्वर्ण लंका में आग लगाएंगे और विधिवत रूप से इस रावण दहन कार्यक्रम का शुरुआत हो जाना है। देखिए, विधिवत रूप से कार्यक्रम की शुभारंभ कर दी गई है नीतीश कुमार के द्वारा, लेकिन अब जब लंका में आग लगेगी, स्वर्ण लंका में आग लगेगी, पुतलों में आग लगेगी, रावण के पुतले में, कुंभकर्ण के पुतले में, तो फिर अलग माहौल होगा। वो तमाम तस्वीरें आपको छोड़े जा रहे हैं। अब धीरे धीरे कैसे राम जी की जो सेना है वो आ रही है मैदान में, उन तमाम तस्वीरों के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। आप सभी तस्वीरें देखिए कैसे रावण दहन होता है और आतिशबाजियां भी खूब होंगी, आकाश जगमगा उठेगा, बच्चे बूढ़े महिलाएं सभी पहुंच चुके हैं, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है जिला प्रशासन की ओर से। आप तस्वीरें देखिए।
Thank you.
रावण दहन कार्यक्रम का पूरा वीडियो आपने देखा है। इस वक्त हम मौजूद हैं पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में, जहां पर आतिशबाजी हो रही है। तस्वीरें आपको दिखाएंगे, आतिशबाजी हो रही है। बिहार के महामहिम राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और लालू प्रसाद अपने घर को रवाना हो चुके हैं। रावण दहन कार्यक्रम में उपस्थित लाखों की संख्या में लोगों ने खूब यहाँ पर मनोरंजन किया है, उनका खूब मनोरंजन हुआ है। पटाखों की आतिशबाजी हम आपको दिखा रहे हैं लगातार, खूब मन लगा है लोगों को। और दशहरा के इस त्यौहार पर आपको भी हार्दिक बधाई शुभकामनाएं। आप लाइव स्ट्रीम सब रहे हैं पूरे गांधी मैदान में, जय सियाराम नारे खूब लगे हैं और पूरा माहौल भक्तिमय हो गया है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके भी जीवन में जितने दुख बुराइयां हैं, जितने कष्ट हैं, वो दूर हों, हम लाइव स्ट्रीम के व्यूअर्स के लिए ये कामना करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।